आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल में रन भोपाल रन का आयोजन किया गया। इस बार ऑर्गन डोनेशन को लेकर भोपाल के लोग दौड़े। लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस करीना कपूर भी इस दौड़ में मौजूद रहे। आज ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए भोपाल दौड़ा। इस आयोजन में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस करीना कपूर भी शामिल हुई। करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ को देखने के लिए युवाओं का हुजूम तात्या टोपे स्टेडियम में लगा रहा। हर साल की तरह इस साल भी रन भोपाल रन का आयोजन तात्या टोपे स्टेडियम से रखा गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं टीटी नगर स्टेडियम में, जहां कुछ महिलाएं हैं इंदौर से आई हैं रन भोपाल रन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनका कहना है व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। जहां वो सुबह सुबह दौड़ रही थी, कुत्ते पीछे पड़ गए थे, कुत्ते काटने की स्थिति में आ गए थे। और जहां कोई बता नहीं रहा था कहां से कहां तक दौड़ना, उनकी 21 किलोमीटर की दौड़ थी। आई हम बात करते हैं इन महिलाओं से, क्या क्या दिक्कत किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी मैम, फिर तो यहाँ पर ना व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसे मैंने 11 किलोमीटर किया, मतलब मुझे 5 किलोमीटर का साथ ही दौड़ा मैं। जो यहाँ पे टाइमिंग है मैट वगैरह, वहाँ से मैं आई नहीं। मैं 10 मिनट वहाँ पे वेट करती रही और बाद में पता चला कि टाइमिंग मैट से निकल कर जाना है। आप कहाँ से आई थी? हम इंदौर से आए हैं। तो इंदौर से आते वक्त बताया नहीं है? नहीं, इंदौर से वक्त नहीं, जब मैंने रन पूरा कंप्लीट कर लिया, मुझे वहाँ से गेट से किसी ने नहीं बताया कि आपको मैट से जाना है। मतलब हम बाहर से, वहाँ से मतलब यहाँ से जाइए बाहर की तरफ से। कूड़ादान की व्यवस्था कहीं आपको दिखी? नहीं, कहीं डस्टबिन नहीं था, कहीं नहीं था। पानी का अरेंजमेंट तो मतलब आगे जाके बिल्कुल खत्म ही हो गया था। और रास्ते में वॉलंटियर्स जो थे बहुत अच्छे थे, ऐसा बात नहीं है कि वॉलंटियर्स अच्छे नहीं थे, बाकी मिसमैनेजमेंट था। वॉलंटियर्स अच्छे थे, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वो अच्छी थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो बेकार थी। और अभी जाए मैंने एक्चुअली 21 किलोमीटर्स में पार्टिसिपेट किया, तो वन विहार के आगे से जो बड़ा सा एक ट्रैक आया था वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे काफ़ी सारे पानी आने का कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे टाइम होता गया सारे के सारे वॉलंटियर्स भी हटते गए। एनीवेज रन वाज गुड, टाइम वाज गुड, कुछ जगह अच्छा भी था, हम लोगों ने इंजॉय भी किया, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रैक पे आके प्रॉब्लम्स। तो पार्टिसिपेट का कहना है कि कहीं कहीं अच्छा भी था, लोगों ने सपोर्ट भी किया है, वॉलंटियर्स ने सपोर्ट किया है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, जो जिसकी व्यवस्था थी कि पानी की व्यवस्था की जाए, कहाँ दौड़ना है, कैस किस ट्रैक से जाना है, क्या किया जाए, वो व्यवस्था ही नहीं थी। तो कुल मिला के रन भोपाल रन में जो पार्टिसिपेंट थे उनको कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ा है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आयोजन में 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ अलग अलग जगह से रखी गई थी। हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। रन भोपाल रन आयोजन को सफल बनाने के लिए अन्य जिलों के लोग भी शामिल हुए। जहां एक तरफ पार्टिसिपेंट जोश और उत्साह में नजर आए, वहीं कुछ ने व्यवस्था को लेकर हो रही परेशानियों के बारे में भी बताया। कुछ लोगों को अव्यवस्था के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुड मॉर्निंग, आज 2 दिसंबर है और आज हमने रन भोपाल रन करा है। और ये स्टार्ट हुआ था लाल परेड से, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से। फिर मैंने 21 किलोमीटर्स में लिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, 11 किलोमीटर्स एंड 5 किलोमीटर्स। मेरा 21 किलोमीटर्स था, तो हम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से फिर हम लोअर लेक गए, फिर हम पॉलिटेक्निक, VIP, शामला हिल्स, बहुत सारा कवर करते हुए देन वी हैव रीच्ड ओवर हियर। एंड मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। टुडे वी हैव स्टार्टेड रन भोपाल रन, which was organized on 2nd of December, in which there were 2 celebrities, Tiger Shroff and Kareena Kapoor. We started Run Bhopal Run from Motilal Nehru Stadium, and it was 11 kilometer, 21 kilometers, so I participated in 21 kilometers. What is the purpose of this run? This is organ donation. This is the purpose of this Run Bhopal Run is organ donation. इस बार रन भोपाल रन आयोजन की थीम ऑर्गन डोनेशन को लेकर रही। देखा जाए तो अंगदान के मामले में देश में काफी जागरूकता लाई है। भारत में अंगदान में तमिलनाडु और महाराष्ट्र जहां सबसे आगे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में ऑर्गन डोनेशन करने वालों की संख्या लगभग 920 है। और जागरूकता बढ़ने के साथ ही इंडिया ने ऑर्गन डोनेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।